देहात प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को शामिल कर जनपद के विकास की दशा और दिशा को तय करने वाली बैठक जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति का आयोजन विकास भवन सभागार कक्ष में सांसद देवेंद्र सिंह भोले की अध्यक्षता में किया गया। इस बैठक में जनपद के उत्पन्न विभिन्न प्रकार की जनहितैषी समस्याओं को उठाया गया है। इस बैठक में अपने विचारों को व्यक्त करते हुए सांसद अध्यक्ष देवेंद्र सिंह भोले ने कहा कि शिक्षा अगर हमें संस्कार देती है तो वहीं अभ्यास हमें अपने दायित्वों के प्रति सजग बनाता है। जरूरी है कि चाहे जनप्रतिनिधि हो या सरकारी अफसर, सभी को अपने कार्यों में अभ्यस्तता होनी चाहिए ताकि वह ज्यादा से ज्यादा अच्छा परिणाम दे सके। हमें सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है, तभी हमें अपने जिले को प्रदेश में अग्रणी जिला में पहुंचा सकते हैं। इस बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों ने उन मुद्दों को विशेष रूप से उठाया जिनसे जनता लगातार रूबरू होती है और जनता को इसके लिए परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। इसी क्रम में सर्वप्रथम जन निगम द्वारा संचालित हैंडपंप रिबोर का मामला उठा। जनप्रतिनिधि ने यह मामला उठाया कि जनपद में कितने हैंडपंप विधायक निधि से लगे हैं, उनकी क्या स्थिति है, इनकी एक सूची जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने की बात भी पिछली मीटिंग में की गई थी, परंतु अभी तक कोई सूची उपलब्ध नहीं कराई गई है, जो खेद का विषय है। इस बैठक के दौरान एक महत्वपूर्ण मुद्दा जनप्रतिनिधियों की तरफ से उठा कि जल किट के माध्यम से अभियान चलाकर जल स्रोतों का परीक्षण कराया जाए जिससे जल की शुद्धता का ज्ञान हो सके और जनपद के नागरिकों को जल जनित बीमारियों से बचाया जा सके। इस बैठक के दौरान नागरिकों को बिजली बिल भुगतान में से जो असुविधाएं हो रही हैं उसका मुद्दा भी उठा। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि न केवल हमें बिजली चोरी को रोकना है अपितु नागरिकों को जो असुविधाएं हो रही हैं उसको भी दूर करना है। तदुपरांत जनप्रतिनिधियों द्वारा PMJSY लोक निर्माण विभाग ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा जनपद में जिन सड़कों का निर्माण किया गया है और वह क्षतिग्रस्त स्थिति में है उसका सर्वे कराते हुए तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश संबंधित अधिभाषी अभियंतों को दिए गए। उन्होंने आपयुक्त उद्योग चंद्रभान सिंह को कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड का प्रयोग कर ऐसे उद्योग जो जनपद कानपुर देहात के अंतर्गत आते हैं वह जनपद के रिसोर्सेस का प्रयोग कर उद्योग चला रहे हैं, ऐसे इकाइयों और उद्योगों के साथ बैठकर संबंधित फंड के महत्वपूर्ण योगदान लिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत पात्रों की जांच कर निर्धारित समय सीमा के लाभ दिए जाने के निर्देश पीओ डूडा को दिए। जनप्रतिनिधियों द्वारा रूरा नगर पंचायत में रामलीला कार्यक्रम स्थल एवं बाल क्रीड़ा स्थल पर अवैध अतिक्रमण को दर्शाते हुए एक सप्ताह में आवश्यक कार्यवाही कर अवैध अतिक्रमण को हटाने जाने के लिए निर्देश संबंधित उप जिला अधिकारी और अधिशासी अधिकारी को दिए जाने हेतु अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व को निर्देशित किया। उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत समस्त जनप्रतिनिधियों की ओर से एक्सरे मशीन की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने के निर्देश मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिए। उन्होंने परियोजना प्रबंधक NHAI को मुख्य मार्ग पर दुर्घटनाओं को रोकने हेतु अनावश्यक रूप से ट्रक खड़ा करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के साथ ही मुख्य मार्गों पर बसे ग्रामों की दुकानों को भी चिन्हित कर मूर्ख मार्गों से हटाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए। इसी क्रम में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास शहरी तथा ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मिड डे मील, अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई तथा राष्ट्रीय राजमार्ग आदि विकास से संबंधित योजनाओं की गहन समीक्षा की, जिसमें परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु पोस्टर बैनर कोल्ड स्टोरेज में सज्ज के साथ ही किसानों को समय से बीमा योजना का लाभ दिए जाने हेतु तहसील व ब्लॉक स्तर पर संबंधित बीमा कंपनी का ऑफिस स्थापित किए जाने एवं उसकी सूचना सार्वजनिक रूप से डुग्गी मुनादी के माध्यम से किए जाने के निर्देश उप निदेशक कृषि को दिए। सांसद द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आगामी समय में छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को लाभ दिलाने के उद्देश्य से ब्लॉक स्तर व जिला स्तर पर आने वाले आवेदन पत्रों की सूचना तैयार कर पात्रता की जांच करते हुए जांच में पात्र पाए जाने वाले लाभार्थियों का
ब्लॉकवार पंजीयन में अंकन सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए, जिससे आगामी समय में उन पात्र लाभार्थियों को लाभ दिलाया जा सके। अंत में सचिव जिलाधिकारी नेहा जैन ने सभी सदस्यों को धन्यवाद देते हुए कहा, हम सभी को प्रयास यह रखना चाहिए कि जनपद का सर्वांगीण विकास हो सके। अगर इसमें कोई बाधा आ रही है तो हम सब मिलकर इसको दूर करें।